नमस्कार, मैं सोनल और आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही टेस्टी और चीजी स्नैक जिसे आप बारिश में तो बना ही सकते हैं, पर अगर आपके घर पे कोई पार्टी है और मेहमान आने वाले हैं तो ये स्नैक बिल्कुल परफेक्ट है और छोटे बच्चों को तो नो डाउट बहुत ही पसंद आने वाला है। तो आज हम बना रहे हैं चीज एंड कॉर्न कटलेट्स। तो सबसे पहले मैंने दो सैंडविच ब्रेड ली है और उसे पानी में सोक कर दिया है। अब एक बोल में आलू को कद्दूकस करके डाल लीजिए। अब थोड़ा कसा हुआ अदरक डाल लीजिए, थोड़ा सा बारीक कटी हुई हरी मिर्च और डाइस्ड मोजरेला चीज, काफी सारा स्वीट कॉर्न डाल लीजिए और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालना है। अब थोड़ा चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च और स्वाद अनुसार नमक। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब जो ब्रेड हमने सोक करके रखी थी उसमें से अच्छे से सारा एक्सेस वाटर निचोड़ लीजिए। इस ब्रेड को हमें तैयार किए हुए मिक्सचर में डालना है और इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर इसका स्मूथ आटा लगा लेना है। हमने इसमें बाइंडिंग के लिए ब्रेड डाला है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाला है और आलू तो है ही। अब जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया है इसकी छोटी सी टिक्की बनानी है। बीच में से फ्लैट करके एक छोटा सा मोजरेला का टुकड़ा रखना है और इसे कवर कर देना है और इसी तरह से सारी टिक्की बना के तैयार कर लीजिए। आप इन टिक्की को एडवांस में ही बना के रख सकते हैं और एयर टाइट कंटेनर में कम से कम 1 वीक के लिए तो रख ही सकते हैं, ताकि जब भी आपके घर पे मेहमान आए आपको बस इसे फ्राई करना है और आपका फैंसी बाहर जैसा एपेटाइजर हो गया तैयार। देखिए, मैंने सभी टिक्की चीज से स्टफ करके तैयार कर ली है। अब हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। तो एक बोल में थोड़ा मैदा लेना है, थोड़ा कॉर्नफ्लावर लेना है, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बिल्कुल लम्प फ्री बैटर तैयार करना है। आप इसे भी सीजन कर सकते हैं ताकि फीका ना लगे। ध्यान रखिएगा बैटर में लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए और कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। मैंने इस बैटर को सीजन नहीं किया है क्योंकि मैंने जो ब्रेड क्रम्स यूज़ किए हैं वो ऑलरेडी सीजनड है। अब टिक्की को मैंने जिस तरह से वीडियो में दिखाया है उस तरह से बैटर में कोट कर लीजिए और उसके बाद में अपने सूखे वाले हाथ से ब्रेड क्रम्स से कोट कर लीजिए और जो भी एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स हैं उन्हें झड़ा लीजिए। जितनी भी टिक्की है सभी को इसी तरह से कोट करना है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसे आप पूरी तरह से तैयार करके फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में कम से कम 1 वीक तक रख सकते हैं और जब भी गेस्ट आए तब इन्हें फ्राई कर लीजिए। देखिए, सारे कटलेट बनके तैयार हो गए हैं। अभी कढ़ाई में थोड़ा तेल गरम करना है। इन कटलेट को हम मीडियम टू हाई हीट पर फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन और बाहर से क्रिस्पी ना हो जाए। इन्हें बीच बीच में चलाते रहिएगा ताकि इनका इवन कलर आए। क्योंकि हमने इसमें ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है तो इन्हें फ्राई होने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। रेसिपी नो डाउट बहुत ही मजेदार है और बहुत ही बढ़िया बात यह है कि ये जल्दी से बनके तैयार हो जाती है। बनाते बनाते इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, एक ट्राई करके देखते हैं। इसके अंदर का चीज पुल देखिए, देखकर मुंह में पानी आ गया ना। तो अब जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब जल्दी से इसे बनाइए और सबको खिलाइए। देखिएगा, कोई नहीं बता पाएगा कि ये बाहर से नहीं आए हैं और घर पर बने हैं।